सिवनी जिले के लखनादौन में विगत दिनों शासकीय सिविल अस्पताल लखनादौन में कथित विक्की कहार के हत्याकांड में निर्दोष संतोष ध्रुवे के इंसाफ के लिए शहर के आम नागरिक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विक्की कहार के परिजन एवं संतोष ध्रुवे के परिवार वाले ही नहीं बल्कि पूरे शहर और क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि विक्की कहार का असली कातिल सामने आना चाहिए। आज दिनांक को अर्चना तिवारी ने अपने वीडियो के माध्यम से एवं पूरे शहर अलाउंस करवाकर न्याय और अन्याय की लड़ाई में दिल से साथ देने के लिए समूचे क्षेत्रवासियों से पूरे जिले के व्यक्तियों से इस लड़ाई में शामिल होकर इंसानियत का परिचय देने का आग्रह किया। हालांकि इस मामले को गंभीरता में लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष और प्रदेश एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ने दिनांक 9/11/2022 को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में न्याय और अन्याय के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अलावा भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जनक प्रवीण तोगड़िया ने अपनी नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद रखा गया। उनके भी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नमस्कार। लखनादौन नगर में सिविल अस्पताल में जो विक्की कहार का मर्डर हुआ है और एक बेगुनाह गरीब परिवार के बच्चे संतोष दुर्वे को फंसाकर जो पुलिस ने जेल में डाल दिया है, पुलिस की इस कार्यवाही के खिलाफ नगर में असंतोष है, आक्रोश है और इसी बात को लेकर नगर के सभी लोगों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है जो मंगलवार 8 नवंबर को दुर्गा चौक वार्ड नंबर 13 बड़ी खैरमाई के मंच पर शाम 4 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी से आग्रह है, आप सभी आए और ये गरीब परिवार जो आपके सामने हैं इस सब का साथ दें। नगर के सभी नागरिक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी माताएं, बहनें, युवा और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, सभी पत्रकार बंधु, आइए इस अन्याय की लड़ाई में हम सब इस गरीब परिवार का साथ दें। जय हिंद, जय भारत।